अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद सरवर थे। अज असी प्रोग्राम अदब कहानियां वीलॉग लेके तुहाडे सारयां दे सामने हाजिर खिदमत हाँ। तो जी ये जगह जानी पछाणी सारयां दी, साडी खास तौर पर कलंदर सिटी असी मौजूद हाँ, जिंदा पुराना नाम लाहौर मोटरवे सिटी सी। गालिबन इन्हां ने किसी खास वजूहात दे पेश नज़र इन्हां नाम इन्हां ने कलंदर सिटी रख दिता। तो जी मेरे नाल इस प्रोग्राम के सिलसिले नूं अगे वधाउण वास्ते मौजूद ने मोहतरम बिलाल साहब। तो बिलाल साहब को एक नज़म सुनने तो पहले एक थोड़ा जा मैं दसी जावां कि अजे अज मैं एक वीडियो ते काम कर रहा सां, मेरी अपनी शायरी है। कुछ बूहे हले भी खुले सन, कुछ रावां किते नूं जानियां सन। इंशाला अज एक अद्धे दिन दे विच इंशाला जिहड़ा ना यूट्यूब चैनल दे उत्ते नूं अपलोड करांगे। तो तुहानूं सारयां नूं जिहड़ा ना रिक्वेस्ट है कि उहदे बारे अपने कमेंट्स समझाओ, कि अपने सारे ख्याल लाजमी करना कि वह कैसियां ने, उन्होंने मजीद की तब्दीली कर सकते हैं। तब्दीली इन द सेंस के मतलब उन्होंने रिकॉर्डिंग असी किवें मजीद बेहतर कर सकते हैं, किवें वो मजीद होर बेहतर हो सकती है, इंटरैक्टिव चीज़ बन जाए, एक अच्छी चीज़ बन जाए। तो जी इस नाल ही असी प्रोग्राम का सिलसिला अगे वधाउंदे आ। असी जाने जी बिलाल साहब वाल, तो देखते हैं जी बिलाल साहब अच्छ सानू केड़ी नज़म सुना रहे ने ते किन्ना नज़म सुना रहे ने। जी बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। सर असी अपने हसबे रिवायत पंजाबी सूफी शायरी का सिलसिला चला रहे हैं, जिंदे च असी नैक्सट हजरत खाजा गुलाम फरीद चिश्ती उन्हां दा एक कलाम सूफी शायरी सुना रहे हैं। साडा मकसद ये वे कि असी सूफिया कराम दी पंजाबी शायरी के जड़े मौजू ने वो लोगों तक पहुँचा सकी है। जी माशा ते असी उन्हां दे मौजू जड़े ने असी उन्हां दे उत्ते लोगों की जी मुख्तलिफ राय वे उन्हों देखिए, लोग कॉमेंट करन। साडा मकसद ये है कि साड़ी जी ये सिलसिला साडा ये देख के लोग अपनी राय देन। बिलखसूस जी औलिया इकराम की जिंदगी है, उन्हों का जो मैसेज है, उन्हों का जो एक मतलब जो लिखा है, वह बेसिकली सारा का सारा रूहानियत है और इंसानी जी रूह है, वह सारा इलम वह शायरी जी उस रूह के नाल तालुक रखती है और इंसान की हिदायत वास्ते भी उनका काफ़ी किरदार है। कि बाकी उन्होंने जिंदगी के बारे में साढ़े जो वे ने वडेरे ने हालांकि जिहड़ा इंज दा स्टफ हुंदा है जिहड़ा के इन रियल जिंदा एक मैसेज है जिंदगी गुजारन दे उत्ते, एक बकायदा इंसान नूं एक रस्ता मिलदा है, उनके बारे च कोई खास जी कह लो कि उनके व्यू नहीं होंगे, किसी सोशल मीडिया से किसी एडी छेती नहीं होंगे, मतलब कह लो असि बड़े अरसे तो लगे हुए हैं और इस प्रोग्राम इन्ना ज्यादा लोग एप्रीशिएट नहीं करते, क्योंकि यंग जनरेशन तो एक जीप खड़ी मेरी थाने ते टाइप और कोई इस तरह के गाने जड़े ने और दीगर गाने उन्होंने मतलब ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਠਾ ਬਲੀਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖਦੇ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਐਸਾ ਸ਼ੋਖ ਅੰਦਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਰਾਂਝਾ ਅਲਬੇਲਾ, ਸ਼ਾਹ ਰਾਂਝਾ ਮੁਰਾਦ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ, ਸ਼ਾਹ ਰਾਂਝਾ ਅਲਬੇਲਾ ਇਹ ਜੋਗੀ ਜਾਦੂਗਰ, ਸ਼ਾਹ ਰਾਂਝਾ ਅਲਬੇਲਾ ਇਹ ਜੋਗੀ ਜਾਦੂਗਰ, ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਵਤ ਮਾਲਾ, ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਗੱਲ ਵਤ ਮਾਲਾ
ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਸਨ ਨਗਰ ਵੇ ਵਾਹ ਜੀ ਇਹ ਜੋਗੀ ਜਾਦੂਗਰ ਵਾਹ ਹੀਰ ਤਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਿਓਂ ਰਾਂਝਣ ਆਇਆ ਵਾਹ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਿਓਂ ਰਾਂਝਣ ਆਇਆ ਹੀਰ ਤਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵੇ ਇਹ ਜੋਗੀ ਜਾਦੂਗਰ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਤੇ ਯਾਰ ਰੰਜੀਥੇ ਮੁਰਲੀ ਵਾਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਂਝਾ ਹੈ ਯਾਰ ਰੰਜੀਥੇ ਮੁਰਲੀ ਵਾਹੀ ਤੇ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਕਰ ਵੇ ਇਹ ਜੋਗੀ ਜਾਦੂਗਰ ਵਾਹ